हेलो एवरीवन, अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो IRCC पोर्टल वाला अकाउंट या फिर GC की वाला अकाउंट, विच वन इज़ बेटर, कौन सा बेटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना। मैंने कौन सा अकाउंट यूज़ करते हुए अपना कनाडा का वीज़ा लिया था ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं अब आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और वहां पर मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि कौन सा अकाउंट सही है या क्या डिफरेंस होता है। चलते हैं इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको IRCC वाले पोर्टल के अकाउंट दिखाता हूं। तो यहां पर आपको क्या डिफरेंस, और जो दूसरा जो पोर्टल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आप खुद ही देख लेना। तो यहां पर जो है, ये ऊपर जो आप टैब्स देख रहे हैं, पर्पस, पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन एक्टिविटीज, सिक्योरिटी क्वेश्चन, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद पर्सनल फैमिली इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समरी डॉक्यूमेंट्स, फीस, कॉन्टैक्ट कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो है सारा कुछ जो है IRCC पोर्टल में सब कुछ जो है आपको पेज बाय पेज, वन बाय वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर लेनी है। आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपका जो है ईजिली आपका वीज़ा जो है अप्लाई होता है, विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा। तो ये थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है। बस इसमें जो फ्रेंड दिक्कत है वो थोड़ी सी मुझे अगर लगी है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में होती है। अपलोड करने की दिक्कत नहीं, इसमें जो फाइल साइज है वो बहुत फ्रेंड्स कम है। जैसे कि इन्होंने 2 MB का एक फाइल साइज दिया हुआ है जो कि बहुत कम है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल हैं, अगर अपलोड करना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आपके फंड्स हैं, अगर आप फंड्स को, अगर आप बिजनेस करते हो तो अगर आप उसे अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा था फाइल साइज लिमिट इज 2 MB पर अपलोड। अगर हमारे पास कोई मल्टीपल फाइल है, इसे हम अपलोड करते हैं, तो ये फ्रेंड्स ये जैसे यहाँ पे 2 बैंक की स्टेटमेंट है, 5 टर्म डिपॉजिट है, 9 CS पे स्लिप, इसको हम अपलोड करते हैं तो ये फ्रेंड्स अपलोड नहीं होता। आप देख सकते हैं ये अपलोड नहीं हो रहा। जबकि अगर हम कोई और फाइल अपलोड करते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो 2 MB की अगर है तो वो अपलोड हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं ये 2 MB से कम है या 2 MB तक है, ये फाइल अपलोड हो चुकी है। तो इसमें ये फ्रेंड दिक्कत आती है कि आपकी जो फाइल जो साइज, जो उस फाइल का साइज होना चाहिए वो 2 MB पर फाइल होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो अपलोड नहीं करेगा, या फिर अगर ज़्यादा है तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। आप 3-4 अगर आपकी फाइलें हैं तो उनका जो है साइज आपको 2 MB तक लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो फाइल आपकी, मल्टीपल फाइल आपकी अपलोड हो पाएंगी। तो इसमें फ्रेंड्स यही दिक्कत है। बाकी मेरे हिसाब से ये बेस्ट है IRCC पोर्टल, और इसमें इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालोगे आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब चलते हैं GCK वाले अकाउंट पर। तो ये फ्रेंड्स है GCK वाला अकाउंट, तो इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। तो इसमें जो फाइल साइज, मैं सबसे पहले बता दूँ, फाइल साइज इसमें जो है वो 4 MB है, 4 MB की लिमिट है, 4 MB तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है। उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये आप अपनी नीड के हिसाब से, आपने जो भी इनिशियल फॉर्म में आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी के हिसाब से ये आपको टैब्स प्रोवाइड कराएगा या अपलोड फील्ड प्रोवाइड करवाएगा या फिर ये डॉक्यूमेंट नेम प्रोवाइड कराएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिसे कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप दिखा देगा। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। और इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, आप अपनी ट्रैवल, पुराने ओल्ड पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, यूज्ड वीज़ा जो भी है वो आप यहाँ पे जो है इसमें अपलोड कर सकते हो। आपके 2-3 पासपोर्ट है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, रिड्यूस करके, कंबाइन करके पासपोर्ट, आपका करंट पासपोर्ट, उसके बाद जो है करंट पासपोर्ट में जो वीज़ा लगे हैं, जो स्टैम्प्स लगी हैं, मार्किंग्स लगी हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपना फर्स्ट और लास्ट पेज के बाद जितने भी जो वीज़ा या स्टैम्प्स वगैरह लगी वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट में आप यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर लोग जो लोग जॉब करते हैं, बैंक की स्टेटमेंट 4 मंथ की, और जो है पे स्टब्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ एसेट्स और बिजनेस, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो बस 4 MB तक। उसके बाद आपकी फ़ोटो आ गई, पर्पस ऑफ ट्रैवल आ गया, यहाँ पर अपनी टिकट, होटल बुकिंग या अपनी आइटनरी आप लगा सकते हो। फैमिली इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिलअप करना है। उसके बाद जो है आपका ये ट्रैवल हिस्ट्री वाला फॉर्म, इसमें आपको भरना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और भी देनी होती है इसमें। उसके बाद जो है नीचे आप अपना कवर लेटर या और भी 1-2 लेटर इसमें कंबाइन करके अपलोड कर सकते हो। इसी से मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा आ गया था। बस बट एक बार मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट जबकि IRCC पोर्टल वाला जो अकाउंट है वो थोड़ा सा ईजी होता है और उसमें जल्दी से जल्दी विजिटर वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।